नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं 15 सेकंड में खबरों पर। तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रदेश में अलर्ट, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना, प्रशासन सतर्क, आपदा राहत टीमें चौकन्नी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों में तकरार तेज, दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप, 20 सेकंड तक महसूस किए गए झटके, भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 युवाओं को नौकरी की दी सौगात, 70,000 नवनियुक्त भर्तियों के दिए नियुक्ति पत्र, वहीं विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी, सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग पर नेशनल हाईवे 44 पर किया जाम। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर इस साल अक्टूबर तक बनकर हो जाएगा तैयार, राम तीर्थ जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में होंगे 392 स्तंभ। सतपुड़ा भवन आग मामले में 3 से 6 मंजिल तक किया गया निरीक्षण, एक्सपर्ट टीम ने किया निरीक्षण, घटना की जांच के लिए गए सैंपल। सतपुड़ा भवन आग मामले में एक्शन, प्रशासन एक बार फिर बुधवार को किया जाएगा सतपुड़ा भवन का निरीक्षण, 20 से ज्यादा लोगों के लिए जाएंगे बयान। ग्वालियर में बदहाल व्यवस्था पर कलेक्टर ने लिखा पत्र, नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी सीईओ को लिखा पत्र। जबलपुर सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी, डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले रिश्वत लेते गिरफ्तार, 7 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। सतना में 70 साल का बुजुर्ग बना पिता, एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, दूसरी पत्नी से हुए 3 लड़के। गुजरात के द्वारका में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आग से लाखों का मान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बढ़ाई गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि। बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कमलनाथ के वालों की विश्वसनीयता खत्म, मोदी सरकार ने दिखाया है काम। आगरमालवा पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, का इस्लामिक प्रदेश बनाने की हो रही कोशिश। ग्वालियर के शराबी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई, मुरार जिला अस्पताल से हटाया गया। अंबिकापुर से सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, 120 लोगों को दिया गया वन अधिकार पट्टा, 100 युवाओं को शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र चावल ले अन्ना ले, हम धान खरीदी नहीं करेंगे बंद, झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश करती है बीजेपी। धर्मांतर पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतर। अरुण साव के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पलटवार, बीजेपी नेताओं को सिर्फ बस्तर छत्तीसगढ़ में दिखता है धर्मांतर। कवर्धा में बेकाबू होकर पलटी यात्री बस, हादसे में 20 लोग घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर। सीधे में लोक आयुक्त टीम की दबिश, बिजली विभाग के जेई को गिरफ्तार किया, 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ग्वालियर में जनसुनवाई में महिला का हंगामा, एसपी के सामने किया हंगामा, पति पर जान से मारने की धमकी का आरोप। देवास में जिसमें फरोशी के धंधे का खुलासा, होटल में चल रहा था गोरख धंधा, पुलिस ने 18 लोगों को दबोचा।